हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, Those days are gone। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म के पहले हैव या हैज या हैड का यूज होता है, लेकिन यहां पर नेहरू जी बोले आर गॉन, यानी दोज डेज आर गॉन। और उनका कहने का सेंस था कि वो दिन जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूं, क्या नेहरू जी गलत बोले थे? यहां कोई ऐसी खास बात है जो आपको जानना चाहिए? अगर इस बात को कॉमन सेंस से सोचें तो पता चलेगा कि नेहरू जी गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर कोई ऐसी ग्रामर है या कोई ऐसी रूल है जहां हम थर्ड फॉर्म के पहले इज आरम का यूज करते हैं, यानी आप हैव हैज की जगह इज आरम का यूज कर सकते हैं। वो क्या रूल है, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, मैंने यहां लिखा है ही इज गॉन टू लंदन, और हमारा दूसरा सेंटेंस है ही हैज गॉन टू लंदन, और दोनों का मीनिंग है वह लंदन जा चुका है। बट दोनों में फर्क है जो आपको समझना होगा। चलिए देखते हैं क्या फर्क है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेसन को मैंने पार्ट 9 में अच्छा से समझाया। बट आज हमको जानना है कि ही के साथ इज और थर्ड फॉर्म ये कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, तभी हम इस बात को अच्छा से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो उसका सेंस होता है कोई काम अभी अभी हुआ है या कोई काम तुरंत हुआ है। जैसे ही हैज गॉन टू लंदन, यानी वह अभी अभी लंदन को गया है या वह तुरंत लंदन को गया है। इस बात से ये पता चलता है कि वह लंदन के लिए रवाना तो हुआ है, अब पता नहीं वो रास्ते में है या वो लंदन पहुंच चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम इज आरम के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो उसका सेंस होता है कि कोई काम शुरू होकर कंप्लीटली अब खत्म हो चुका है, यानी कोई काम शुरू हुआ जो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी फिनिश हो गया है। जैसे ही इज गॉन टू लंदन, वह लंदन जा चुका है। इसका अंदरूनी सेंस है कि लंदन जाने का काम पूरा हो गया है, अब वो लंदन में है। बट अगर आप हैज के साथ थर्ड फॉर्म बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह अभी अभी लंदन को गया है या वह तुरंत लंदन को गया है। अब इस बात से ये पता नहीं चलता कि वह रास्ते में है या लंदन पहुंच चुका है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि अब आप धीरे धीरे इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि इज गॉन और हैज गॉन में क्या फर्क है। हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो, बट आइए अगला एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। द स्नो हैज मेल्टेड, मतलब बर्फ पिघल चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो सुनने वाला ये समझेगा कि बर्फ का पिघलने का काम अभी अभी हुआ है या तुरंत खत्म हुआ है। लेकिन अगर आप कहते हैं द स्नो इज मेल्टेड, तो इसका मतलब ये होता है कि बर्फ के पिघलने का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसलिए यहां कहीं भी बर्फ का पता नहीं है। द बेल हैज रन, घंटी बज चुकी है। यानी इस सेंटेंस का अंदरूनी मतलब हुआ कि ये जो घंटी है अभी अभी बजी है या तुरंत बजने का काम खत्म हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं द बेल इज रन, तो इसका मतलब हुआ कि घंटी बज चुकी है। बट इसका अंदरूनी सेंस होता है कि घंटी बजने का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब तो काम काज भी शुरू हो गया है, यानी अब तो क्लासेज भी स्टार्ट हो गई हैं। मतलब घंटी बजने का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब क्लासेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। द स्प्रिंग हैज कम, और हमारा दूसरा सेंटेंस है द स्प्रिंग इज कम। फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है? अगर हम इनके मीनिंग पर जाएं तो इनका मीनिंग होगा बसंत का मौसम
आ गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि दोनों का अंदरूनी सेंस क्या है, यानी जब आप किसी से बोलेंगे तो सामने वाला क्या समझेगा। द स्प्रिंग हैज कम का मतलब होता है बरसात के मौसम अभी अभी आए हैं, यानी तुरंत ही आए हैं। बट अगर आप कहें द स्प्रिंग इज कम तो सुनने वाला ये समझेगा कि बरसात के मौसम आ चुके हैं और जिसकी खूबसूरती आप अगल बगल की फिजा में देख भी सकते हैं। यानी ऐसा अभी अभी नहीं हुआ है बट ये काम पूरी तरीके से हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप यहाँ समझे हैं कि इजारम प्लस थर्ड फॉर्म और हैबेज प्लस थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंट होता है। फ्रेंड्स इसी से मिलता जुलता एक और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है, आइए उसको भी देखें ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। ही हैज गॉन टू लंदन और हमारा दूसरा सेंटेंस है ही हैज बीन टू लंदन। फ्रेंड्स इन दोनों में बारीकी है जो आपको बहुत केयरफुली सुनना होगा। ही हैज गॉन टू लंदन का मतलब हुआ वह लंदन जा चुका है, यानी वह अभी अभी या वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हुआ है। हो सकता है वह लंदन पहुंच गया हो, यह भी हो सकता है कि वह रास्ते में हो। बट जब आप हैज के साथ गॉन नहीं बल्कि हैज के साथ बीन का यूज करते हैं, यानी जब आप हैव हैज के साथ बीन का यूज करते हैं तो उसका सेंस होता है कोई आदमी किसी खास जगह को जाकर फिर वहां से वापस आ गया है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स हैज गॉन का मतलब होता है लेफ्ट फॉर अ प्लेस, यानी किसी जगह के लिए रवाना हो जाना या किसी जगह के लिए चल देना। हैज बीन टू का सेंस होता है गॉन टू अ प्लेस एंड कम बैक। अब आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। हैज गॉन यानी लेफ्ट फॉर अ प्लेस, किसी जगह के लिए कोई जगह छोड़ देना। तो अगर मैं कहूं ही हैज गॉन टू लंदन, यानी वह किसी जगह को किसी और जगह के लिए रवाना हो गया है या चल दिया है। अब पता नहीं फ्रेंड्स कि वो रास्ते में या वहां पर पहुंच गया है, लेकिन अगर आप कहेंगे ही हैज बीन टू लंदन तो इसका मतलब ये होगा कि वह आदमी उस जगह को गया और फिर वहां से कम बैक हो चुका है, यानी फिर वहां से अपने पुरानी मंजिल को आ चुका है। यानी अगर दोनों का मीनिंग देखें तो आप कुछ ऐसे कह सकते हैं ही हैज गॉन टू लंदन, वह लंदन जा चुका है, जबकि ही हैज बीन टू लंदन का मतलब होता है वह लंदन हो आया है या वह लंदन रह चुका है। बातों से पता चला कि अब वो लंदन नहीं है बल्कि वह वहां पर आ गया है जहां पर वो पहले था। लेकिन अगर मैं कहूं ही हैज गॉन टू लंदन, वो लंदन जा चुका है, इसका मतलब अब वो यहां नहीं रहा, वह यूएसए जा चुकी है। फ्रेंड्स आमतौर पर इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे करते हैं शी हैज गॉन टू यूएसए, लेकिन फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सी हैज बीन टू यूएसए, यानी आप हैज गॉन के जगह पर हैज बीन का भी यूज कर सकते हैं। बट दोनों में फर्क है जो आपको समझना होगा। फ्रेंड्स अगर आप कहेंगे हैज बीन शी हैज बीन टू यूएसए तो इसका मतलब यह हुआ वह यूएसए रह चुकी है, यानी अभी वह यूएसए में नहीं है, गुजरे हुए टाइम में पास्ट में वह वहां रह चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप कहेंगे सी हैज गॉन टू यूएसए तो इसका मतलब ये हुआ कि वह यूएसए के लिए जा चुकी है, मे बी वह रास्ता में हो या वह वहां पर पहुंच गई हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं अब आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहा होगा। सी हैज बीन टू यूएसए, वह यूएसए में रह चुकी है, यानी अभी वह वहां पर नहीं है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।